हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकेत लिटोरिया। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 2018 4th सितंबर सेकंड शिफ्ट का व्यापम सब इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। देन आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी सब इंजीनियर 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षा ऐप पर लाइव क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, आप उस लिंक पर जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 के बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 26 है। तो 26 जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, डेट इज व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें पहला ऑप्शन आपको बोला गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड ऑप्शन आपका आया है प्रेशर, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपका है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फोर्थ ऑप्शन आपका है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका क्वेश्चन है 26 नंबर का और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर 1 को समझते हैं, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेस बाई लीनियर स्ट्रेन आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका था प्रेशर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या था, प्रेशर था। प्रेशर क्या होता है आपका, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या बोलते हैं हम, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका क्या होता है, अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक की यहां पे बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा यहां पे दिया गया है वो क्या दिया गया है, बल्क मॉडुलस। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारा क्या हो गया है, बल्क मॉडुलस हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। हम कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बर्क मॉडुलस होता है। तो यहां पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग्स फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करके आपको बताना है कि सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहां पे 1 है 0.938D, सेकेंड ऑप्शन है 0.105R, थर्ड ऑप्शन है 0.5D एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0.093R। यहां पे क्या बोला है, सर्कुलर चैनल सेक्शंस के लिए अगर मैनिंग्स फॉर्मूला की बात की जाए, क्लियर, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैनिंग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनिंग फॉर्मूला आपका क्या होता है, Q आपका डिस्चार्ज के लिए यहां पे लिया गया है, ठीक है, Q इक्वल्स टू आपका क्या होता है, K into A। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे क्या होता है, ये आपका क्या होता है, क्लियर, K into A आपका होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
r की पावर 2/3 एंड s की पावर क्या आ जाएगा आपका 1/2 डिवाइड बाय स्मॉल n। ठीक है, जो स्मॉल n आपका यहां पे है ये क्या कहलाता है, सरफेस रफनेस के लिए यूज किया जाता है। कि आपका जो यहां पे कांस्टेंट यूज किया जा रहा है जो यूनिट्स पर डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस होती है आपका, और ये आपका एस क्या होता है यहाँ पे स्लोप की बात की जाती है, जो भी आपने चैनल लिया है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उसने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है। तो कंडीशंस क्या होगी मैनिंग्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है 0.938 डी आपकी होती है, क्या होती है 0.938 डी आपका होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। ये मैनिंग्स फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली मैनिंग फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि मैनिंग्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन जो पूछा गया है, Overturning of vehicle on a curve can be avoided by using overturning of a vehicle. Vehicle की overturning को आपको curve पे क्या करना है, avoid करना है, इसके लिए हम क्या use करते हैं। तो पहला option यहाँ पे आपको दिया गया है compound curve, दूसरा option दिया गया है reverse curve, तीसरा option दिया गया है vertical curve and fourth option आपका दिया गया है यहाँ पे transition। ठीक है, अब जरा अपन पहले वाले ऑप्शंस की बात करें, जैसे बात की जा रही है कंपाउंड कर्व की, तो व्हाट इज कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व आपका क्या होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मेरा ये सेंटर है, एक मैंने सिंपल आर्क यहां पे बनाया है जिसकी रेडियस क्या है आर वन है, और एक मैंने आर टू रेडियस का एक सिंपल कर्व बनाया जो इस फर्स्ट वाले कर्व से मैंने क्या कर दिया है ज्वाइन कर दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक कंपाउंड कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां से सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है रिवर्स कर्व की आपसे बात की जा रही है। रिवर्स कर्व क्या होता है कि देखो सेम रेडियस भी हो सकती है, डिफरेंट रेडियस भी यहां पे हो सकती है, तो किस टाइप से कर्व आपने ऐसा बेंड के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। क्लियर, मतलब ये जो सिंपल आर्क है इसका आपका सेंटर अलग है, इसका सेंटर आपका क्या आ रहा है अलग आ रहा है, देखो इसमें सेंटर आपका एक ही हो रहा है। तो इस टाइप का जो हम कर्व प्रोवाइड कराते हैं ये हमारा क्या होता है, बेंड हमने एक्चुअली एक प्रोवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कर्व। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जिसमें आपको दिया गया है वर्टिकल कर्व। अब देखो वर्टिकल क्या कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व को हम प्रोवाइड करते हैं लेवल को सेपरेट करने के लिए या फिर ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड अब जो फोर्थ ऑप्शन आपको यहां पे दिया गया है वो है आपका ट्रांजिशन कर्व। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, आपका आंसर यहां पे क्या होगा, जब भी हम कर्व की बात करते हैं और व्हीकल की ओवरटर्निंग को अवॉइड करना है वहां पे हमेशा ट्रांजिशन कर्व का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन यहां पे व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व हमारा क्या कहलाता है, तो ट्रांजिशन कर्व को आप डिफाइन कर सकते हो कर्व ऑफ अ वेरिंग रेडियस, इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है बैरी करती है ऑफ अ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक इसकी रेडियस क्या करेगी आपकी बैरी करेगी एट अ टेंजेंट पॉइंट टू अ डिजाइन अ सर्कुलर कर्व। क्लियर, सर्कुलर कर्व रेडियस प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर पाथ। क्लियर, तो ये आपका क्या होता है ट्रांजिशन कर्व होता है। तो ओवरटर्निंग को अगर अवॉइड करना है अपने को तो हम कौन सा कर्व यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ट्रांजिशन कर्व को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर वेस्टर्न घाट द रिलेशन बिटवीन रन ऑफ कैपिटल आर एंड रेनफॉल पी बोथ इन सेंटीमीटर। क्लियर, आपको दोनों ही किसमें दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। गिवन वाई इंग्लिश एंड डिसूजा फॉर्मूला इज, तो इंग्लिश एंड डिसूजा ने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका है कैपिटल आर इक्वल्स टू के एस इंटू पी, सेकेंड ऑप्शन है आपका कैपिटल आर इक्वल्स टू के स्मॉल बी इंटू पी, थर्ड ऑप्शन आपका है कैपिटल आर इक्वल्स टू 0.85 पी माइनस 30.5, फोर्थ ऑप्शन आपका है आर इक्वल्स टू 1/254 पी इंटू
ब्रैकेट पी माइनस 17.8। तो ये चार ऑप्शन आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट्स के लिए रन ऑफ और रेनफॉल में जो रिलेशन है किसके द्वारा, इंग्लिस एंड डिसूजा फॉर्मूला के द्वारा, वो क्या होता है, तो वो आपको याद रखना है। आर इक्वल्स टू कितना होता है आपका, आर इक्वल्स टू होता है 0.85 पी माइनस 30 पॉइंट क्या 5, जो आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 0.85 पी माइनस 30.5। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एज पर द कोड एज। तो देखो कॉन्क्रीट में हम जो कोड यूज करते हैं डेट इज IS 456 आप यूज करते हो। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है M40, सेकेंड ऑप्शन M20, थर्ड ऑप्शन M60 एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है M15। यहाँ पे मिनिमम ग्रेड की बात की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू IS कोड अगर हम बात करें, IS कोड 456 जो दिया गया है, तो जो मिनिमम ग्रेड आपका यहाँ पे दिया गया है कंक्रीट के लिए वो कितना दिया गया है कि हम M20 यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा अगर हम सी वाटर में कंक्रीट को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या होगा M20 हो गया। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इन सी वाटर मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमारा कितना होता है, तो हम M30 यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो मिनिमम ग्रेड है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस मिनिमम ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम ग्रेड किस चीज पर डिपेंड करता है, क्लियर। तो मिनिमम ग्रेड जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और पहली हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन होती है वो क्या होती है, माइल्ड होती है। माइल्ड के बाद क्या होती है, मॉडरेट होती है, क्लियर। दूसरी हमारी कौन सी होती है एक्सपोजर कंडीशन, मॉडरेट होती है। तीसरी हमारी क्या होती है, सीवर कंडीशन होती है। नेक्स्ट वेरी सीवर कंडीशन होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है आपका वेरी सीवर के बाद, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपोजर कंडीशन होती हैं। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो एक्सपोजर कंडीशंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, M20 हो जाएगा। मिनिमम ग्रेड जो आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, ये डायरेक्टली रिकमेंड किया गया है आपको ये यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है यहाँ पे, Why is gypsum added at the time of grinding as a time of grinding cement? क्या क्वेश्चन है, Why is gypsum added at the time of grinding cement? सीमेंट की जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग मतलब जो हमारे क्लिंकर्स होते हैं उस टाइम पे हम जिप्सम्स को क्या करते हैं, एड करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है टू इंक्रीज प्लास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, एंड फोर्थ ऑप्शन है टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिप्सम को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्लियर, किसको ऐड कर रहे हैं, जिप्सम को हम ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो जिप्सम होता है वो कैसे वर्क करता है सीमेंट में, एज अ रिटार्डर वर्क करता है, कैसे करता है, एज अ रिटार्डर वर्क करता है। अब देखो रिटार्डर का काम क्या होता है, सबसे पहले अपन रिटार्डर क्या है, एज अ एडमिक्सचर की बात हो गई है, रिटार्डर जो होता है आपका क्या होता है, एडमिक्सचर होता है। तो रिटार्डर जो होता है वो आपका क्या होता है, क्या करता है, कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। रिटार्डर का काम क्या है, कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे कि पहला ऑप्शन जो दिया था टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी की तो बात नहीं हो रही, सेटिंग टाइम को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जिप्सम को इसलिए हमने सीमेंट में ऐड किया है कि वो हमारे सीमेंट का क्या करे, सेटिंग टाइम को प्रिवेंट करे, रोक के रखे।
तो यहाँ पे सेटिंग टाइम के रिगार्डिंग आप अगर फोर्थ ऑप्शन देख रहे हो तो क्या दिया था, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम जिप्सम को एट अ टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट ऐड करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32। एज पर आईएस 456/2000 अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम सेल नॉट बी लेस देन ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। क्लियर, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडिनल जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं कॉलम में वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे है 0.8%, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.2%, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.45% एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.15%। तो आपको पता है डायरेक्टली आईएस कोड 456/2000 ने रिकमेंड किया हुआ है और इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना होगा, 0.8%। कितना हो जाएगा, 0.8%, इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन 0.8%। तो ये आपका 32 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 0.8%। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है आपसे, एज पर आईएस 456/2000 द बेसिक वैल्यू फॉर स्पान टू डेप्थ रेशियो फॉर कैंटिलीवर बीम अप टू 10 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला है 26, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 7, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 17 एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका 20। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्टली ये वैल्यू आपको क्या की गई है, रिकमेंड की गई है। क्लियर, स्पान और डेप्थ रेशियो आपके आईएस कोड में दिया गया है। क्लियर, 456/2000 में। तो कैंटिलीवर बीम की अगर हम बात करें, क्लियर किसकी बात कर रहे हैं, हम कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं और इस कैंटिलीवर बीम का जो स्पान आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो अप टू कहां दिया गया है, 10 मीटर तक दिया गया है। तो इस अप टू 10 मीटर तक ये वैल्यू आपको रिकमेंड यहां पे की गई है। क्लियर, तो कितना रिकमेंड किया गया है, तो कैंटिलीवर बीम के लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7 यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 7 जो है वो सेकंड ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 है आपका, एज पर वाई लॉ इन अकॉर्डेंस विथ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। क्लियर, किसकी बात की जा रही है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की बात की जा रही है। तो द मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन फॉर हाई वोल्टेज लाइन अप टू 11 kW एज। क्लियर, मतलब इसने ये बोला है क्वेश्चन में कि आपने जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है और 11 kW की आप एक लाइन निकाल रहे हो तो कितना वहां पर डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 1.2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 2.5 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 3.7 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल आपके होते हैं IE रूल्स की अगर हम बात करें, तो आई रूल्स जो हम देखते हैं, आई रूल्स 80 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो 11 kV की है, 11 kV की है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए वो कितनी होती है आपकी, 1.2 मीटर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन दिया गया है सेकंड 1.2 मीटर, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 11 kV की जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 11 kV से 33 kV के बीच में अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, इस करंट की आप क्या कर रहे हो, लाइन को सप्लाई कर रहे हो, तो कितना होना चाहिए, तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया जाता है। थर्ड यहाँ पे है कि 33 kW से ज़्यादा अगर आपकी मिल जाती है, क्लियर, तो आपको यहाँ पे यूज करना है 3.7 मीटर, इतना आपका क्लियर डिस्टेंस आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। ये बाकी वैल्यू आप याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे 35, एवेल्युएट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M40।
ग्रेड M40 का आपको यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करना है, एवेल्युएट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका 4.42 न्यूटन पर mm², 4.70 न्यूटन पर mm², 4.14 न्यूटन पर mm² एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 4.95 न्यूटन पर mm². तो आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको निकालना है, तो हम इसको किसके फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो आपकी होती है FCR, इसका फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK। FCK क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, क्लियर। तो जैसे एक इस पर डिपेंड होती है ग्रेड पर, M40 आपको ग्रेड दिया गया, मतलब 40 न्यूटन पर mm², ये आपका क्या हो जाएगा, FCK हो जाएगा एट 28 डेज, क्लियर। आफ्टर 28 डेज ऐसा हो जाएगा आपका FCK आफ्टर 28 डेज। तो ये 40 आ गया है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.4271 न्यूटन पर mm². तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शंस में दिया गया है 4.42 दिया गया है, क्लियर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.42 न्यूटन पर mm². तो ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गई है फॉर M40 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो ये 35 जो क्वेश्चन हमारा था जिसमें हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ एवेल्युएट करनी थी, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4.42 न्यूटन पर mm² आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है 36। तो 36 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ द सम ऑफ परसेंटेज अमाउंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिटेन्ड इज 694.5 देन कैलकुलेट द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, क्लियर। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का रिटेन्ड अमाउंट आपको दिया गया है और आपको फाइनेंस मॉडुलस निकालना है कोर्स एग्रीगेट का। ऑप्शन नंबर वन आपको दिया गया है 70.86, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 69.45, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है 0.6945 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है 6.945। आपको यहाँ पे क्या करना है कि परसेंटेज अमाउंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिटेंड आपको दिया गया है कितना, 694.5, ये आपको दिया गया है। इसको अगर आप फाइनेंस मॉडुलस आप कोर्स एग्रीगेट के लिए ही फाइंड आउट कर दे, क्लियर। आप क्या कर रहे हो, फाइनेंस मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हो कोर्स एग्रीगेट के लिए, तो इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से कर दोगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 6.945 आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मींस आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे 100 हो गया है यहाँ पे, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, फाइनेंस मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, फाइनेंस मॉडुलस आपको निकालना है। किसके लिए निकाल रहे हो, कोर्स एग्रीगेट के लिए निकाल रहे हो, तो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है कुमुलेटिव परसेंट रिटेंड कितना आया है यहाँ पे, और इसमें हम ऐड करते हैं 500 का और डिवाइड वाइड कर देते हैं 100 का, तो ये आपका फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, क्लियर। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो देखो आपको ये पूरी वैल्यू दे के रखी हुई थी, मतलब ए वाली पूरी टर्म आपको दे के रखी हुई थी, हमने डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6.945 हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंस मॉडुलस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, 1 square foot in square meter is, क्लियर। ये पूछा है उसने कि 1 square foot के बराबर आपको क्या निकालना है, स्क्वायर मीटर को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिया गया है 0.083 स्क्वायर मीटर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका है 0.073 स्क्वायर मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.103 स्क्वायर मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है 0.093 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या बोला उसने कि 1 square foot की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 1 square foot इक्वल्स टू आपको क्या निकालना है, मीटर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है, मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, क्या होता है, फिट स्क्वायर डिवाइड बाई आपको करना है 10.764 का, क्लियर। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे,
तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, कितने आ जाएंगे आपके, आपके यहाँ पे आएंगे 0.09929 स्क्वायर मीटर। क्लियर, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 0.0929 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 92 ऑप्शन जो बात कर रहा है तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 0.093, तो देखो 9 है, 5 से ज़्यादा है, एक हम यहाँ प्लस कर लेंगे, तो 0.093 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 1 स्क्वायर फिट हो जाएगा। क्लियर, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आप चाहो तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रख सकते हो कि स्क्वायर मीटर से आपको स्क्वायर फिट में या स्क्वायर फिट से स्क्वायर मीटर में जाना है तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। क्लियर, आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगर हिंदी में बोलो तो जल निकायों के सुपोषण का निम्नलिखित में से क्या कारण है। पहला यहाँ पे होता है डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तीसरा है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ क्लोराइड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सेसिव टर्बिडिटी। क्लियर, एक्सेसिव टर्बिडिटी। देखो सुपोषण की यहाँ पे बात की जाए, यूट्रोफिकेशन मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे लेक होती है, लेक यूट्रोफिकेशन आपने देखा होगा, उसके नीचे क्या हो जाता है, एल्गी का क्या हो जाना पोषण, पोषण मतलब क्या है, एल्गी का वहां पे ग्रोथ हो जाना। क्लियर, तो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रोथ हो रही है तो वो यूट्रोफिकेशन होता है। तो अब मेनली यहां पे देखो, मेनली अगर हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन हो किस वजह से रहा, एल्गी की मैक्सिमम यहां पे ग्रोथ हो किस वजह से रही। हम एल्गी की ग्रोथ कब होगी, जैसे हम अपने आप से बोलते हैं कि हम बचपन में छोटे होते हैं, बच्चा छोटा होता है चाइल्डहुड में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो क्या होता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब एक्सेस सप्लाई यहाँ पे होगी तो ज़्यादा यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ याद रखना कि जो एल्गल ग्रोथ आपकी होती है, एल्गी जो ग्रोथ आपकी होती है, इसके लिए मेन न्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं, मेन जो आपके क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्लियर, मेन हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से एल्गी क्या होती है हाई ग्रोथ करती है, वो क्या होता है आपका, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, यूट्रोफिकेशन मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच लीड टू ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे पहला है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सेकंड है आपका इट इज डक्टाइल, थर्ड ऑप्शन है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज अ सॉफ्ट मेटल। तो आपको भी पता है एल्यूमिनियम की कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट की यहाँ पे बात की जा रही, तो ये तो जेन्युइन बात है कि एल्यूमिनियम जो आपका होता है हीट का बहुत अच्छा क्या होता है, आपका क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। क्लियर, ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट डक्टाइल भी है, नम है, मतलब आप इजीली उसको, और उसकी जो आप बोल सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपको ज़्यादा मिल रही है, आप वायर के फॉर्म में उसको बना सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम का हम यूज इलेक्ट्रिसिटी वायर में भी करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर में हम क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एक अच्छा कंडक्टर है। क्लियर, विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, लेकिन यहाँ पे आपसे बोला गया है इट इज अ बैड कंडक्टर, ये एक बहुत खराब कंडक्टर का मतलब का यहाँ पे बैड कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक होना, सुचालक नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ही नहीं कर रहा है, बट ये गलत है। क्लियर, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है एल्यूमिनियम की, तो यही है बैड कंडक्टर नहीं है, ये एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेल सेक्शन हैज बेटर रिजिडिटी एंड स्टिफनेस टू रेजिस्ट लेटरल एंड वर्टिकल फोर्स। सबसे पहला ऑप्शन है आपका फ्लैट फुटेड रेल, दूसरा ऑप्शन है बट हेडेड रेल, तीसरा ऑप्शन है बुल हेडेड रेल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डबल हेडेड रेल। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो बता दें रेल सेक्शन जो होते हैं जनरली तीन टाइप के होते हैं। डबल हेडेड सबसे पहला अर्ली स्टेज डेवलपमेंट हुआ था, नेक्स्ट एवोल्यूशन जो हुआ था आपका बुल हेडेड का हुआ था। और बुल हेडेड रेल्स को हमने जनरली कहाँ यूज किया था, कप्स वगैरह के लिए डिजाइन किया हुआ था। नेक्स्ट आपका है फ्लैट फुटेड रेल, तो थर्ड आपका जो सेक्शन आया था फ्लैट फुटेड रेल आया था। एक्चुअली में इसके जो फुट था वो कैसा था, फ्लैट था। उसको हिंदी में अगर देखोगे आप ऑप्शंस को तो लिखा हुआ चपटे आधार वाला, मतलब इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट कर दिया गया था जिसके बेसिस पे नाम रखा गया था। क्लियर? और इस फ्लैट फुटेड रेल्स को हम बिग्नॉल्स रेल भी बोलते हैं, जिसने इसको इन्वेंट किया है चार्ल्स बिग्नॉल्स, तो उनके नाम पे हम इसको बिग्नॉल्स रेल भी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछा था कि बेटर रिजिडिटी और स्टिफनेस मुझे कौन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट लेटरल एंड वर्टिकल फोर्स, तो इसका आंसर आपका है फ्लैट फुटेड रेल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्लैट फुटेड रेल। क्लियर? अब देखो, अबाउट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 90% जो आपके रेलवे ट्रैक्स हैं उसमें हमने फ्लैट फुटेड रेल्स का यूज किया हुआ है। फ्लैट फुटेड रेल्स जो आपकी होती है वो जनरली टी सेक्शंस में होती है। इसमें होती है टी सेक्शंस में होती है। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपका क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शंस होता है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हेड कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, बेब कहलाता है, ये हमारा क्या होता है, फुट होता है। ठीक है? तो बेटर हमें क्या मिलती है इसमें, रिजिडिटी मिलती है। क्लियर? एक और चीज है, यहाँ पे चेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट ही आप स्लीपर पे क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? बट इस रेल्स का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि डायरेक्टली हम इसको स्लीपर पे फिक्स कर देते हैं तो इसकी जो फिक्सिंग हुई है वो फ्रिक्वेंटली लूज हो जाती है, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ओवर बुल हेडेड एंड डबल हेडेड इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें आपको चेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रिफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ बेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड वर्क। क्लियर? बेदरिंग एक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा साउंडनेस टेस्ट, दूसरा हमारा है क्रशिंग टेस्ट, तीसरा है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है यहाँ पे एब्रेशन टेस्ट। क्लियर? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं साउंडनेस टेस्ट। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, साउंडनेस टेस्ट है। तो देखो, साउंडनेस टेस्ट जो आपका होता है तो ये क्या करता है, डिटरमाइन एन एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू डिसइंटीग्रेशन बाई बैदरिंग। जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक्सटेंट ऑफ बैदरिंग ऑफ एग्रीगेट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा साउंडनेस होता है। क्लियर? यही आपका डिटरमाइन करेगा, क्या करेगा, रेजिस्टेंस टू डिसइंटीग्रेशन बाई बैदरिंग, रेजिस्टेंस टू डिसइंटीग्रेशन बाई बैदरिंग। ठीक है? ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा आंसर तो निकल आया है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, साउंडनेस टेस्ट होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन यहां पे था क्रशिंग टेस्ट। तो देखो, एग्रीगेट में हम जो क्रशिंग टेस्ट को अप्लाई करते हैं, इससे हम उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहां पे था इंपैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या था, इंपैक्ट टेस्ट था। तो इंपैक्ट टेस्ट को यहां पे अप्लाई किया जाता है एग्रीगेट की टफनेस फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा एग्रीगेट कितना टफ है। तो टफनेस के लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, इंपैक्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था फोर्थ वाला, एब्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, एब्रेशन टेस्ट था। तो एब्रेशन टेस्ट हम यहां पे अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट हार्डनेस, क्या फाइंड आउट करने के लिए,
हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम एब्रेसन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो आप चारों ऑप्शन में से कभी भी किसी पर भी क्वेश्चन आए तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। क्लियर? हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वेदरिंग एक्शंस के लिए एक्सटेंट मेजर करने के लिए, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउंडनेस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेविटी कंडक्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन 42 आपका ये है, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, ग्रेविटी कंडक्ट कैन बी लेड एज डिजायर्ड बाय द एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। सेकेंड है, फ्लूम्स आर द टाइप ऑफ ग्रेविटी कंडक्ट। सेकेंड थर्ड है आपका, इन ग्रेविटी कंडक्ट्स वाटर विल फ्लो अंडर एटमोसफियर एटमोस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ ऑप्शन है, इन ग्रेविटी कंडक्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल कॉन्साइड विद द वाटर सरफेस। क्लियर? अब क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ग्रेविटी कंडक्ट की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी कंडक्ट जो आपका होता है, देखो ग्रेविटी कंडक्ट मतलब एक गुरुत्वाकर्षण नली है, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट आपका फ्लो हो रहा है वाटर। तो ओपन चैनल आप यहाँ पे बोल सकते हो या ओपन कैनाल बोल सकते हो, जो आपके ग्रेविटी कंडक्ट कहलाते हैं। क्लियर? तो ओपन चैनल्स में जैसे फ्लो वगैरह आपका होता है तो फ्लूम्स को मेजर, फ्लूम्स का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। क्लियर? फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए फ्लूम्स को ये यूज किया जाता है। और जो यहाँ पे ग्रेविटी कंडक्ट फोर्थ ऑप्शन जो आपको बोला है, ग्रेविटी कंडक्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल कॉन्साइड विद द वाटर सरफेस, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका क्या होता है, जिसमें प्रेशर हेड और डैटम हेड दोनों को ऐड किया जाता है। क्लियर? एक और आपको पता है कि जो आपका ओपन चैनल होता है, ग्रेविटी कंडक्ट होता है, ओपन चैनल या ओपन कैनाल की बात करें तो यहाँ पे फ्लो जो आपका होता है वो किसके कैसे होता है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये तीनों चीजें तो यहाँ पे करेक्ट हो गई, तो गलत क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेविटी कंडक्ट कैन बी लेड एज डिजायर्ड बाय द एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। जो ऑप्शन नंबर पहला है आपका वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है अबाउट ग्रेविटी कंडक्ट। क्लियर? जो गुरुत्वाकर्षण नली है उसके संदर्भ में आपका कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सेलो फाउंडेशन का कौन सा इनमें से टाइप नहीं है। तो आपको ऑप्शन पहला दिया गया है ड्रिल्ड पियर, दूसरा दिया है मैट फाउंडेशन, तीसरा दिया है कंटिन्यूअस फुटिंग, एंड फोर्थ आपको दिया गया है कंबाइंड फुटिंग। आपको पता है सेलो फाउंडेशन हमारा क्या होता है, ऐसा फाउंडेशन जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू विड्थ, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सेलो फाउंडेशन। तो आपको पता है मैट फाउंडेशन जो आपका है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, मैट फाउंडेशन सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया गया है मैट फाउंडेशन, इसको आप राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हो। तो ये राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन जो है ये सेलो फाउंडेशन का टाइप है। दूसरा कंटिन्यूअस फुटिंग, कंटिन्यूअसली फुटिंग बनाए जा रहे हैं अपन, तो वो हमारा सेलो फाउंडेशन का टाइप है। कंबाइंड फुटिंग भी हमारा सेलो फाउंडेशन का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रिल्ड पियर की बात कर रहे हैं, जैसे मर्सी लैंड वगैरह होते हैं, कीचड़ वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ड्रिल्ड पाइल्स वगैरह को इंस्टॉल्ड करके फिर हम पियर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो हमारा सेलो फाउंडेशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे डेप्थ को क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है एज कम्पेयर टू विड्थ, तो ऐसा फाउंडेशन सेलो फाउंडेशन नहीं कहलाएगा, वो हमारा डीप फाउंडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल्ड पियर जो है हमारा सेलो फाउंडेशन का टाइप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवर कोरोजन। आपको बताना है यहाँ पे कि दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से कौन सा फैक्टर सीवर कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला है लो वेलोसिटी ऑफ सीपेज फ्लो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है गुड वेंटिलेशन, थर्ड है आपका हाई सीवेज टेम्परेचर, एंड फोर्थ है आपका हाई बीओडी। अब आपको पता है कि सीवेज का जब भी आपका कोरोजन की बात करी जा रही है, सीवर के अंदर क्या होता है, सीवेज आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर? सीवेज फ्लो हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बहुत सारी गैसेस वहां पे निकल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है, मीथेन आपकी निकल रही है, एक्सप्लोजिव गैसेस वगैरह हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स वहां पे आ रही है, मेनली आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड्स आती है, कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
ठीक है, ये सारी गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपने अच्छा एक वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जिससे गैसेस क्या हो रही हैं आपकी बाहर निकलती जा रही हैं, क्लियर, गैसेस क्या हो रही हैं सीवर लाइन से बाहर निकलती जा रही हैं, तो सीवर लाइन में आपका कोरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस क्या बोल सकते हो आप कि नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो गुड वेंटिलेशन है, बाकी सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे, ठीक है, सीवर कोरोजन के लिए। जैसे लो वेलोसिटी ऑफ द सीवेज फ्लो, सीवेज फ्लो की लो वेलोसिटी वो भी आपका क्या है रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड ऑप्शन है हाई सीवेज टेम्परेचर, टेम्परेचर की यहाँ पे बात की जा रही है, क्लियर, कमेंट में आप इसका आंसर बताना सीवेज के लिए कितना टेम्परेचर आपका होता है, सीवेज का टेम्परेचर कितना होता है ये आपको बताना है, और साथ में आपको बताना ड्रिंकिंग वाटर के लिए टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, आप कमेंट में इसको बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हाई बीओडी, क्योंकि आपको पता है सीवेज की जो स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं वो बीओडी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 45 क्वेश्चन है द एवरेज डेली ड्राफ्ट ऑब्लिक डिमांड ऑफ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजप्शन इज 250 एलपीसीडी एंड पॉपुलेशन इज 120,000 वुड बी, ये हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया गया है 25 MLD, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे 120 MLD, थर्ड ऑप्शन है आपका 250 MLD एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है यहाँ पे 30 MLD, क्लियर। तो कैसे हम निकालते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ पे डिमांड दे के रखी है 250 और जो पॉपुलेशन आपको 120,000 दे के रखा हुआ है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 30 × 10^6, 10^6 जो 6 होता है डेट इज MLD, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 MLD आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 MLD आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द कंडीशन ऑफ द लैंड वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द ग्राउंड लेवल एंड बिकम्स डेट्रीमेंटल टू द प्लांट लाइफ इज कॉल्ड, क्लियर। क्या बोला इसने कि भूमि की वह स्थिति जहाँ पर जल स्तर या भौमिक स्तर या उसके निकट होता है, तो जो आपके पेड़ पौधे हैं उसके लिए यह हानिकारक बन जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है। देखो अर्थ सरफेस पर वाटर का जमाव हो जाना, क्लियर, जमाव हो जाना मतलब कि जो वॉइड्स हैं आपके सॉइल के वो क्या हो रहे हैं, फिल हो गए हैं कम्प्लीटली, क्लियर। तो ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है, पहला सुपर सेचुरेशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका वाटर लॉगिंग, तीसरा है आपका फ्लडिंग और फोर्थ है आपका सीपेज फ्लड, क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपका 2018 में जो इसके 4 सितंबर के पहले जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए कि जल का जो भराव हो जाता है या उसके निकट होता है इस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। देखो सुपर सेचुरेशन मतलब कि जो वॉइड्स आपके हैं वो पूरे के पूरे फुल हो गए हैं, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका यहाँ पे 100% है, एक तरीके से वो सबमर्ज्ड कंडीशन को ही रिप्रेजेंट यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके 46 क्वेश्चंस का। 47 आपका है द शेप ऑफ गिव वे साइन इन द ट्रैफिक सिग्नल, 47 हमारा क्वेश्चन कौन सा है, द शेप ऑफ गिव वे साइन इन द ट्रैफिक सिग्नल इज, पहला है आपका ऑप्शन रेक्टेंगल, दूसरा है ऑक्टागोनल, तीसरा है सर्कल एंड फोर्थ है आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो गिव वे साइन जो हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं उसके लिए हमेशा जो सिंबल यूज किया जाता है वो आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 क्वेश्चन आपका है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट आउट अ राइट एंगल टू द चैन लाइन इज कॉल्ड एज, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे है प्लास्टर लेथ, दूसरा है आपका प्लम बॉब, तीसरा है आपका लाइन रेंजर एंड फोर्थ आपका है क्रॉस स्टाफ। देखो प्लास्टर लेथ जो आपका होता है, प्लास्टर लेथ की जो यहाँ पे बात की जा रही है, सॉरी प्लास्टर लेथ जो आपका होता है तो ये क्या होता है, चूना होता है। जनरली प्लास्टर लेथ को यूज किया जाता है मार्किंग पर्पज के लिए, लेआउट वगैरह डालते हैं, चूना डाल देते हैं हम मार्किंग के लिए, तो इसको मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखो प्लम बॉब आपका है, प्लम बॉब है तो जैसे स्लोपिंग ग्राउंड की हम बात करें या फिर प्लान टेबल सर्वे की बात करें तो ग्राउंड का पॉइंट आपको पेपर पे भेजना है,
ट्रांसफर करना है, या पेपर का पॉइंट ग्राउंड पर ट्रांसफर करना है, या स्लोप पे आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिए हो वर्टिकली, उस पॉइंट को क्या करना है आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो प्लंब बॉब को हम यहाँ पे यूज करते हैं टू सेटअप अ वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट को सेटअप करने के लिए हम प्लंब बॉब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे था लाइन रेंजर, क्या था नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, लाइन रेंजर था। देखो लाइन रेंजर क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो स्टेशन है, एक स्टेशन दो स्टेशन, इसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो ये आपके इंटरमीडिएट पॉइंट आ गए ए बी सी डी, ए बी सी। इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को क्या करना है, रेंज में करना है, क्या करना है रेंज में करना है, मतलब एक ही लाइन में ये रहें, तो हम लाइन रेंजर या फिर आई का यूज करते हैं। क्लियर, रेंजिंग के लिए यूज किया जाता है लाइन रेंजर आपका। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पे आया है क्रॉस स्टॉप, क्लियर क्रॉस स्टॉप। तो देखो क्रॉस स्टॉप का यहाँ पे यूज किया जाता है राइट एंगल को सेटअप करने के लिए, क्लियर, इसका यूज किसके लिए किया जाता है राइट एंगल को सेटअप करने के लिए। जैसे इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक ऑप्टिकल स्क्वायर आया था कि ऑप्टिकल स्क्वायर्स में हम जो दो मिरर लगाते हैं, सेवर्ड एंड अनसेवर्ड मिरर लगाते हैं, उसको कितने डिग्री पे सेटअप किया जाता है, 45 डिग्री। और मैंने बोला था कि ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है वो क्रॉस स्टॉप के कंपेरिजन में आपका क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। क्लियर, तो क्रॉस स्टॉप को हम यूज किस लिए कर रहे हैं, राइट एंगल को सेटअप करने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका एटमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका ओडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका एनीमोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका रोटामीटर। तो अगर हम एटमोमीटर की बात करें तो एटमोमीटर आपका यूज किया जाता है यहाँ पर रेट ऑफ वाटर एवेपोरेशन को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, रेट ऑफ वाटर एवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। ऑडोमीटर जो आपका होता है यूज किया जाता है लीनियर मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए। और एनीमोमीटर जो आपका होता है वो विंड स्पीड के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर, तो हमारा जो 49 वाला क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, एनीमोमीटर हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन आपका रोटामीटर था, तो रोटामीटर को यूज करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ फ्लूइड लिक्विड, सॉरी फ्लूइड जो मैंने बोला लिक्विड या गैसेस, उसका आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अगर मेजर करना है तो हम रोटामीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच हैज एन असेंबली ऑफ रिजिड बट इलास्टिक मेंबर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स टू एक्ट एज बीम इज कॉल्ड एज। पहला है स्ट्रेचिंग खंबा, दूसरा है कॉलम, तीसरा है क्राउन एंड फोर्थ है आपका ट्रस। क्लियर, तो क्वेश्चन आपसे जो बोला गया है हिंदी में अगर देखो तो क्या बोला, वह संरचना जिसमें बीम के रूप में कार्य करने के लिए त्रिभुजाकार रूप से जुड़े दृढ़ लेकिन प्रत्यास अवयवों को जोड़ा जाता है कहलाता है। तो आपको पता है कि जो जैसे इंडस्ट्रियल सेट्स वगैरह हम बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बीम के जैसे आपके रहते हैं ट्रायंगुलेशन में हम उसको जोड़ के रखते हैं, तो वो क्या होता है आपका, ट्रस होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रस, गट्ठा जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो 50 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉर्म सॉरी इलास्टिक मेंबर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल टू एक्ट एज अ बीम इज कॉल्ड एज ट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस मतलब 26 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।